हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका। तो बोर्ड एग्जाम 2022-23 के लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, केमिकल काइनेटिक्स। ये फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग इससे 7 मार्क्स के क्वेश्चन बनने वाले हैं, बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बन जाते हैं, कई तरह के न्यूमेरिकल बन जाते हैं, लाइक फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड, जीरो ऑर्डर से रिलेटेड, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। तो कई सारे डिफरेंसेस इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी, या फिर जैसे कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, या फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि आप रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट कैसे प्रेडिक्ट करोगे फॉर अ गिवन ऑर्डर। मतलब आपको अलग अलग ऑर्डर दिए होंगे और आपको रेट कॉन्स्टेंट की यूनिट प्रेडिक्ट करनी होगी। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हम इसका ना एक ओवरव्यू करने वाले हैं कि हाँ यार इस चैप्टर में है क्या। मैं आपको रिकमेंड करूंगा बेटा 2x की स्पीड में देखना या फिर 1.5x की स्पीड में देखना, भले 2 टाइम्स देख लेना, ठीक है। और इसके नोट्स का प्रिंट आउट करवा के रख लो। इसके लिए क्या करना है, यूट्यूब पे सर्च कर लो केमिकल काइनेटिक्स डिजिटल नोट्स बाय भारत पंचाल सर, क्योंकि नोट्स ही मैंने समझा रखे हैं आपको यहाँ पर, जल्दी आप उसको कैच कर पाओगे, ठीक है ना। और बहुत बढ़िया तरीके से इसके एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन भी आने वाले हैं। और इसमें आप कुछ भी डाउट आता है ना तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमें यहाँ पर डाउट आया है, फॉर श्योर आपके सभी डाउट को दूर किया जाएगा। जैसे मैं हमेशा प्रॉमिस करता हूँ, आपका एक सिंगल नंबर कटने नहीं दिया जाएगा और जो भी आपके अच्छे मार्क्स के लिए जरूरी है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, स्टार्ट करते हैं केमिकल काइनेटिक्स को विद वेरी हाई। केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है, सिंपल सी बात है, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, इट इज दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, कि जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो किस रेट से होती हैं, वो किस स्पीड से होती हैं, एंड देयर मैकेनिज्म, और वो रिएक्शन जो हो रही हैं ब्रो वो किस तरह से हो रही हैं, है ना। मैकेनिज्म समझते हो ना कि एक चीज हो रही है वो किस तरह से हो रही है। देखिए एक होता है इंडिया मैच जीत गई, अब किस तरह से जीत गई, किसने बढ़िया परफॉर्म किया, बॉलर ने, बुमराह ने 7 विकेट ले लिए, ये वो मैकेनिज्म होता है कि हाँ किस तरह से सब कुछ चला है। और क्या पढ़ेंगे, इट ऑल्सो डिस्क्राइब्स द कंडीशन अंडर विच रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी अल्टर्ड। ये उन कंडीशंस के बारे में भी हमें बताता है जिनके अंदर हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, क्लियर है। अब सबसे सिंपल सी बात कि सर ठीक है पढ़ लेंगे रेट ऑफ रिएक्शन की बात, रेट मतलब किस स्पीड से कोई रिएक्शन हो रही है। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो बहुत फास्ट होती है, कई रिएक्शन होती है ऐसी होती है जो बहुत स्लो होती है, कई रिएक्शन होती है जो अप्रोप्रिएट स्पीड से होती है। सबसे पहला क्वेश्चन जो अराइज होता है कि हम लोग केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन किसे कहा जाएगा। देखो बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, वन और मोर सब्सटेंस या वन और मोर रिएक्टेंट अंडरगो अ चेंज एंड रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, ठीक है ना। कि बहुत सारे रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करेंगे, जैसे कि R1 और R2 रिएक्ट किया और उनसे हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया, यही हमारे पास क्या होती है, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ भी कर लो, लाइक सिंपल सी बात है, C+O2 गिव्स CO2, जैसे कि एक रिएक्शन होगी। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो यहां से बन जाता है वो बन जाता है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन होती हैं वो कितने तरह की होती हैं,
ठीक है ना। तो देखिए बेटा, अब डिपेंड करता है कि हम केमिकल रिएक्शंस को क्लासिफाई किस बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है ना, किस बेस पे कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। ओके जस्ट अ सेकंड यार, घर से एक मैसेज आया है और ये मेरे घर वाले बहुत तंग करते हैं मुझे, जस्ट अ सेकंड। ओके लेट्स मूव। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, स्पीड के बेस पे, तो स्पीड के बेस पे हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो तीन तरह की होती हैं। नंबर वन हमारे पास होती है भाई साहब वेरी फास्ट रिएक्शन, नंबर टू हमारे पास होती हैं वेरी स्लो रिएक्शन, एंड नंबर थ्री हमारे पास होती है मॉडरेट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन भाई? मॉडरेट रिएक्शन। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे भाई? वेरी फास्ट रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब समझिए कि वेरी फास्ट रिएक्शंस किसे कहा जाता है, वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोग किसे कहेंगे भाई? दोज रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस वेरी फास्टली, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन ये होगी ना, दोज रिएक्शंस विच टेक प्लेस वेरी फास्टली, जो रिएक्शन बहुत फास्टली हो जाती हैं, ठीक है, दैट इज कितनी फास्ट हो जाती हैं, दीज रिएक्शन टेक्स 10^-14 to 10^-17 सेकेंड इन कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में 10^-14 टू 10^-17 सेकेंड का समय लगता है, ऐसी रिएक्शंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया? वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। यहां पर एग्जांपल आ जाता है हमारे पास आयनिक रिएक्शन। आयनिक रिएक्शन जो होती है बहुत फास्ट होती है, मतलब इतनी फास्ट होती है यार कि जितनी देर में हम पलक झपकते हैं ना उतनी देर में रिएक्शन करोड़ों बार हो चुकी होती हैं। एग्जांपल की बात करें जैसे कि हमारे पास है NaCl AgNO3, ठीक है। अब यहां से अगर मैं इनकी रिएक्शन कराता हूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? AgCl प्लस NaNO3। अगर आप देखने बैठो कि हाँ यार देखता हूँ कितनी देर में हो रहा है, पता भी नहीं लगेगा भाई। जैसे कभी अगर ये कलाकारी करी हो, मतलब ये एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये यहाँ पर फिट भी नहीं होता, वैसे आपने कोल्ड ड्रिंक में नमक डाला हो तो एकदम से वो झाग सी बनाने लग जाता है, बुलबुल उठने लग जाता है, ट्राई कर सकते हो। तो बहुत फास्ट रिएक्शंस होती हैं एंड रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कांट बी कैलकुलेटेड, रेट ऑफ दीज रिएक्शंस कांट बी कैलकुलेटेड। ऐसी रिएक्शंस का जो रेट है वो कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, बहुत फास्ट होती है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज वेरी स्लो रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन किसे कहेंगे? नाम से ही क्लियर है भाई कि वो रिएक्शन जो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। दो रिएक्शंस विच टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम इन कंप्लीशन, वेरी लॉन्ग टाइम इन कंप्लीशन। ऐसी रिएक्शन जिनको पूरा होने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। अब पूरा होने में कितना टाइम लगता है सर? दैट इज टेक्स मंथ्स टू ईयर्स इन कंप्लीशन, मंथ्स टू ईयर्स इन कंप्लीशन। फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। अब ये देखो कि कोयला और पेट्रोल को बनने में कितना टाइम लग जाता है भाई? इतना टाइम लग जाता है कि एक ही बार बना था तो उसके बाद दोबारा कोयला और पेट्रोल नहीं बना है, ठीक है। दूसरे एग्जांपल की बात करता हूं, जैसे कि रस्टिंग ऑफ आयरन। ऐसा नहीं है कि लोहे को जंग एकदम से लग जाता है, टाइम लगता है, स्लो प्रोसेस है। या फिर सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर सेटिंग ऑफ सीमेंट तो एक फास्ट प्रोसेस है, है ना, सीमेंट तो बहुत जल्दी सेट हो जाता है। वो सीमेंट सेट नहीं, सीमेंट मतलब जो सीमेंट पाउडर फॉर्म में आता है वो सॉलिड बन जाता है,
वो हल्का हल्के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। और ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है एंड इन प्रोसेसेस का भी रेट आप लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, इन रिएक्शंस की स्पीड भी कैलकुलेट नहीं की जा सकती है, ये इतनी स्लो हो जाती हैं। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है मॉडरेट रिएक्शन। अब मॉडरेट रिएक्शन किसे कहते हैं भाई, बताइए मॉडरेट रिएक्शन किसे कहा जाएगा? सिंपल सी बात, दो रिएक्शंस, मॉडरेट मतलब एक ठीक ठाक स्पीड, दो रिएक्शंस विच आर नीदर वेरी स्लो नोर वेरी फास्ट, ना तो ज्यादा स्लो है और ना ही ज्यादा फास्ट है, बट टेक्स प्लेस एट मॉडरेट स्पीड, एक ठीक ठाक स्पीड से हो जाती हैं भाई, एंड रेट ऑफ दिस रिएक्शन कैन बी कैलकुलेटेड। हम इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं इन्हीं रिएक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, रेट ऑफ दिस रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड। एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज या हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11, मैं आप लोग पानी मिला दीजिए, एसिड की प्रेजेंस में डीकम्पोजिशन होगा और ये डीकम्पोज हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में एंड फ्रुक्टोज में, ठीक है ना। अब ये ग्लूकोज फ्रुक्टोज का फॉर्मूला सेम होता है बट इनमें एक डिफरेंस होता है, ठीक है, बेसिक डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस होता है इनके फंक्शनल ग्रुप का। अब आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इनके अंदर कौन से फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होता है, मतलब क्या डिफरेंट है, मतलब किसके अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, कमेंट सेक्शन में बता देना। आगे बढ़ते हैं मॉडरेट रिएक्शन के बाद नेक्स्ट हमारे पास, तो हमने इस चैप्टर में मॉडरेट रिएक्शन की ही बात करनी है, बाकी अगर आप रिएक्शन को क्लासीफाई करना चाहते हो तो और भी तरीके हो जाते हैं। कौन से तरीके हो जाते हैं सर? देखो भाई, ये तो बात होगी ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, आप रिएक्शंस को क्लासिफाई कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है ना, स्टेप्स के बेसिस पे। तो यहां से हमारे पास दो तरह की रिएक्शन निकल के आती हैं, फर्स्ट इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन किसे कहेंगे? दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस, इन मोर देन वन स्टेप। अगर कोई ऐसी रिएक्शन है जो एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट होती है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए से डी बन रहा है तो पहले ए से बी बनेगा, बी से सी बनेगा और फिर सी से डी बनेगा, इट इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और अगर मैं यहां पर आपसे पूछता हूं, एक और रिएक्शन का टाइप आ जाता है स्टेप के बेसिस पे, एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसे कहेंगे भाई हम लोग? बेटा जी, ऐसी रिएक्शंस, दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन सिंगल स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होती हैं, या फिर दूसरे शब्दों में ईच स्टेप ऑफ अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्री स्टेप। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर। कि ए से बी बन रहा है, अच्छा भाई चेयर है, ठीक है, ए से बी बन रहा है, ये इसका एक स्टेप है, तो इसके एक स्टेप को हम लोग एलिमेंट्री बोलेंगे, या कहीं पर मान के चलो पी से क्यू बन रहा है भाई, है ना, पी से क्यू बन रहा है, मतलब सीधा एक एक स्टेप में आपका प्रोडक्ट बन गया, तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है भाई? एलिमेंट्री रिएक्शन बोला जाता है। और जनरली ऐसा नहीं होता है कि एक स्टेप में रिएक्शन हो जाए, ऐसा होता नहीं है, ठीक है, एक से ज्यादा स्टेप लगते ही है रिएक्शन को कंप्लीट होने में,
क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है कि बहुत बढ़िया सर मजा आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? अपने चैप्टर की स्टार्टिंग में बोला था कि हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, तो रेट ऑफ रिएक्शन कहा किसे जाता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है भाई, रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसमें क्या होता है? चेंज अपॉन टाइम। जैसे कि एक रिएक्शन है जिसमें R से P बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से डिफाइन करोगे आप लोग? चेंज इन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। बीतते हुए समय के साथ एक रिएक्टेंट में कितना चेंज आ रहा है या प्रोडक्ट में कितना चेंज आ रहा है, उसी को आप लोग क्या बोलते हो भैया? रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हो। अगर आप इसको रिएक्टेंट की टर्म में लिखना चाहो तो आपको भी पता है कहीं पर भी अगर रिएक्शन हो रही है, रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आटे से रोटी बना रहे हैं तो आटा टाइम के साथ घटता चला जाएगा और रोटी टाइम के साथ बढ़ती चली जाएंगी, तो रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट की बात करो तो आप लोग क्या लिखोगे? ओके, बहुत बढ़िया, डिक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और अपॉन में टाइम टेकन, ठीक है ना? इसको लिख सकते हो आप माइनस, और डिक्रीज कितना डिक्रीज आया? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। और अगर आप प्रोडक्ट की टर्म्स में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई? इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और अपॉन में, उसमें कितना टाइम लगा है? टाइम टेकन, दैट इज प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, ठीक है? और अगर आप दोनों के टर्म्स में डिफाइन कर सकते हो तो रेट आप लोग क्या भी लिख सकते हो ब्रो, यहां से रेट इज माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। अब क्योंकि इनकी मोलर कंसेंट्रेशन की बात होती है तो यहां पर ये ब्रैकेट लगा दिए जाते हैं, दीज ब्रैकेट्स आर नोन एज, इन्हें क्या बोलते हैं? 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप लोग, दीज आर नोन एज एक्टिव मास ब्रैकेट। क्या बोलते हैं इनको? एक्टिव मास ब्रैकेट, या फिर इन्हें बोल दिया जाता है कंसेंट्रेशन ब्रैकेट। दोबारा से आता हूं, मैंने क्या बोला? रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं? कि एक बीतते हुए समय के साथ, एक टाइम के साथ रिएक्टेंट में कितना चेंज आया, प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। रिएक्टेंट टाइम के साथ घटते हैं, प्रोडक्ट टाइम के साथ बढ़ते हैं, ठीक है? एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लें, जैसे कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। इनिशियली रिएक्टेंट की कुछ कंसेंट्रेशन होगी, कुछ अमाउंट होगा, दैट इज आर आई। प्रोडक्ट की भी कुछ, प्रोडक्ट का कुछ अमाउंट नहीं होता इनिशियली। मान के चलते हैं कि ये 50 ग्राम है और ये इनिशियली तो 0 ग्राम होगा, ठीक है? और एक हम कब बोलते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई है? जब ना रिएक्टेंट खत्म हो जाता है, तो जब फाइनल रिएक्टेंट होगा वो हमारे पास हो गया 0 ग्राम, ठीक है? और मैं यहां से आपसे पूछता हूं फाइनल प्रोडक्ट कितना है भाई? फाइनल प्रोडक्ट आपके पास 50 ग्राम। मान के चलते हैं सारी प्रोसेस में समय लगा है 10 मिनट का 10 मिनट, तो मैं आपसे पूछता हूं बताइए रेट क्या होगा? रेट आपने क्या बोला है? चेंज अपॉन टाइम, कितना चेंज आया है। रिएक्टेंट में कितना चेंज लिखोगे? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। डेल्टा चेंज हमेशा निकलता है फाइनल माइनस इनिशियल, तो इसमें से आप इसको माइनस करोगे, 0 - 50 इज -50 बाय टाइम 10, तो माइनस के 5 ग्राम पर मिनट, ठीक है ना? और प्रोडक्ट की टर्म में अगर करो तो डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल प्रोडक्ट कितना है? 50, उसमें से माइनस कर दोगे ये 0, तो ये 50 बाय 10, दैट इज प्लस 5 ग्राम पर मिनट। अब देखिए एक चीज मैं आपको बताता चलूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी माइनस में नहीं आ सकती है, दैट्स वाई हम इसके सामने ऑलरेडी एक माइनस लेके चलते हैं, सो दैट की ओवरऑल रिजल्ट प्लस में आ जाए। अब यहां पे देख लो, ये माइनस लगा दिया तो इस तरह से हम लोग ये इक्वल हो जाते हैं, यहां पर माइनस इसीलिए लगाते हैं सो दैट की रिजल्ट प्लस में आए। रिएक्टेंट के साथ माइनस और प्रोडक्ट के साथ तो प्लस होता ही है, ठीक है? अब आपको कोई भी रिएक्शन दी हो सकती है, कोई भी, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक्स गिव्स वाई, आप लोगों को इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखनी है। कैसे लिखोगे भाई? आप लोग इसको लिख सकते हो माइनस डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी
इक्वल टू प्लस, देखिए रिएक्टेंट के साथ माइनस याद रखना, प्रोडक्ट के साथ प्लस, प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा हो जाए, लाइक आपके पास लिखा हो ए प्लस बी गिव सी, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग कैसे लिखने वाले हो? देखिए ये एक रिएक्टेंट है, तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये भी एक रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट टाइम के साथ डिक्रीज होते हैं, माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, और ये एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होता है, तो प्लस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी, इस तरह से। अब देखिए कुछ और रिएक्शन है हमारे पास, मान के चलो कि हमारे पास दे रखा है ए प्लस टू बी गिव्स थ्री सी, यहां पर कोफिशियंट का फंड आया है, रेट ऑफ रिएक्शन को जब एक्सप्रेस करोगे ना तो कोफिशियंट अपॉन में चले जाएंगे, याद रखना, पर मोल के लिए डिफाइन करना है आपने। तो ये क्या रहेगा रेट ऑफ रिएक्शन यहां से, अब क्योंकि एक रिएक्टेंट है टाइम के साथ घटेगा, तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट है तो ये भी घटेगा, और कोफिशियंट अपॉन में चला जाएगा, माइनस वन बाय टू डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, एंड ब्रो ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होगा, प्लस वन बाय थ्री डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आई होप यू आर, आई थिंक कि समझ में आ रही है बात, क्लियर है। अब देखो एक ना पेपर में रिएक्शन है, आपको उसके लिए एक्सप्रेशन देना है, जैसे कि एन टू प्लस थ्री एच टू गिव्स टू एन एच थ्री, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, मेरी फेवरेट है और मुझसे ज़्यादा एग्जामिनर की फेवरेट है। इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस कहते हैं, जो कि अमोनिया की कमर्शियल प्रिपरेशन के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखता हूँ, तो इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये रिएक्टेंट है टाइम के साथ घटेगा, माइनस डेल्टा एन टू बाय डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट है, कोफिशियंट अपॉन में चले जाते हैं, माइनस वन बाय थ्री डेल्टा एच टू बाय डेल्टा टी, और बेटा जी ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ इंक्रीज होंगे, प्लस कोफिशियंट अपॉन में वन बाय टू डेल्टा एन एच थ्री बाय डेल्टा टी। तनिक आगे लिख देता हूं सो दैट कि पूरा लिखा जा सके, बहुत बढ़िया नहीं लिखा, तो क्या लिखोगे, प्लस वन बाय टू डेल्टा एन एस थ्री बाय डेल्टा टी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां से अगला टॉपिक आता है हमारे पास, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, कि कहीं पर भी अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करना है तो एक्सप्रेशन तो दे दोगे, यूनिट क्या होती है। और मुझे ऐसा लगता है, जनरली ऐसा हुआ भी है कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा भाई, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट और अपॉन में टाइम टेकन, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऐसे लिख देते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, कि रिएक्टेंट में या फिर प्रोडक्ट में कितना चेंज आया है एक टाइम के साथ, क्लियर। अब मोलर कंसेंट्रेशन है, मोलर कंसेंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी को लिखा जाता है मोल पर लीटर, और टाइम टेकन, टाइम किस में होगा, मिनट्स में हो सकता है या फिर सेकेंड्स में हो सकता है या फिर हार्स के अंदर हो सकता है। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा भाई, यहां से आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा मोल पर लीटर पर मिनट या फिर मोल पर लीटर पर सेकंड या फिर मोल पर लीटर पर हार, इनमें से कोई भी एक तरीका आप लोग लिख सकते हो, क्लियर है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है जिसमें हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के भी टाइप डिस्कस करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के भी फर्दर टाइप्स होते हैं।
दो तरह की रेट ऑफ रिएक्शन देखने को मिलती है आप लोगों को। सबसे पहले एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। साधारण शब्दों में समझा देता हूं, एवरेज का मतलब होता है जिसमें एक बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, एक बड़े टाइम की बात करते हैं, और इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है जिसमें एक खास मोमेंट की बात करते हैं, जिसमें हम एक खास पल की बात करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ज्यादा वाइब्स आएंगी। जैसे कि विराट कोहली ने 10 मैच खेले, अब उसने 10 मैच में कितने रन बनाए हैं, ये हो जाती है उसकी एवरेज। और अगर मैं बोलता हूं कि भाई 2 मार्च को एक मैच हुआ था, उसमें उसने कितने रन बनाए हैं, ये हो जाते हैं एक खास पल की जब हम बात करते हैं, खास मोमेंट की जब हम बात करते हैं, उसे आप लोग बोल देते हो इंस्टेंटेनियस। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहा जाता है? इट इज डिफाइंड एज चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, एट अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जब हम एक टाइम के इंटरवल की बात करते हैं, एक बड़े टाइम पीरियड की बात करते हैं, ठीक है, और जब एक खास मोमेंट की बात करते हैं, क्या? चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम। जब एक इंस्टेंट की बात करें, एक खास मोमेंट की बात कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब क्योंकि इसमें बड़े टाइम इंटरवल की बात करते हैं, तो रेट एवरेज को एक्सप्रेस किया जाता है बाय डेल्टा। इसको डेल्टा के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं कुछ ऐसे, एंड इसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल से, डेल टी। सो सॉरी बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए, ये वन शॉट सुबह शूट किया जा रहा है, दैट्स वाई बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा सा चलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाँ, जैसे कि ए गिव्स बी, आपको बोला गया कि इसकी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, या फिर इसकी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो आप कैसे दीजिएगा? भाई सिंपल है, बिल्कुल डिट्टो कॉपी है, ये रिएक्टेंट है तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है तो प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी। और अगर इसके लिए मैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखना चाहूं तो कैसे लिखूंगा भाई? माइनस डेल ए डी ए बाय डी टी, और प्रोडक्ट के लिए माइनस डी बी बाय डी टी। कुछ भी डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस है सिर्फ किसका? डेल्टा का और डेल का, बाकी सब कुछ सेम है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है आपको गिवन है 2a प्लस 3b गिव्स 5c, आपको ये दे रखा है, ठीक है। देन क्या होगा भाई, आपको इसकी क्या बोल रहे हैं वो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन कैसे दीजिएगा? बेटा ये रिएक्टेंट है तो माइनस कोफिशियंट अपॉन में लग जाते हैं 1/2 डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये भी रिएक्टेंट ही है माइनस 1/3 डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, ये प्रोडक्ट है तो प्लस कोफिशियंट अपॉन में 1/5 डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। अभी तक मैंने क्या बताया है, रिएक्टेंट के लिए आप माइनस यूज करते हो, रिएक्टेंट के साथ माइनस लगाते हो, प्रोडक्ट के साथ प्लस लगाते हो, और कोफिशियंट अपॉन में चला जाता है जब भी आप रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करते हो। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगर इसी रिएक्शन के लिए आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना चाहो तो कैसे होगा भाई? ये रिएक्टेंट है माइनस कोफिशियंट अपॉन में 1/2 डेल ए बाय डेल टी, ये भी रिएक्टेंट है तो माइनस 1/3 डेल बी बाय डेल टी, और ये प्रोडक्ट है तो प्लस 1/5 डेल सी बाय डेल टी। अब आप प्रेफर किसको करोगे? अब दोनों रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस करने के तरीके हैं,
आप प्रेफर करने वाले हो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। क्यों सर इसको प्रेफर क्यों? क्योंकि ना इसमें टाइम इंटरवल मतलब टाइम जो है वो कम दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपको कभी स्पेशली मेंशन करता है कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, या उन्होंने एक शब्द यूज कर लिया इंटरवल के, इंटरवल वर्ड यूज करता है, देन आप लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए जाओगे, अदरवाइज हमेशा आप लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की ही बात करने वाले हो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, बहुत शानदार। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। अब देखिए यहां से जैसे कि एक रिएक्टेंट होता है ए गिव्स बी, बेटा जी जो रिएक्टेंट है वो टाइम के साथ घटते हैं, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी ज्यादा बड़ा होगा, ऑफ ए क्या लिखा जाएगा, माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, या माइनस डी ए बाय डी टी, ठीक है। जैसे कि आपको कोई बोलता है रेट ऑफ, अब देखिए ये तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट टाइम के साथ फॉर्म होते हैं, बनते हैं, तो इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन या फिर रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ बी, कैसे लिखोगे, प्लस डी बी बाय डी टी, क्या लिखने वाले से, प्लस डी बी बाय डी टी। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है। ये तो चलो ऐसी रिएक्शन है जहां पर कोफिशियंट नहीं दे रखे हैं, इन केस कहीं पर कोफिशियंट भी दिए होते हैं, जैसे कि ये दे रखा आपको 2a प्लस 3b गिव्स 5c। मैंने आपको बोला कि इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दीजिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखी जाएगी इसकी, बताइए बेटा, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन होगी माइनस 1/2 da बाय dt, है ना, ये भी रिएक्टेंट है, तो माइनस 1/3 db बाय dt, ये प्रोडक्ट है, तो प्लस 1/5 dc बाय dt। मैं रिपीट कर दूं, जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हो तो जो कोफिशियंट होते हैं वो अपॉन में चले जाते हैं। अब आपको कोई बोलता है कि यहां पर लिखिए रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो कैसे लिखिएगा, डिसअपियरेंस यानी कि घट रही है वो चीज, माइनस da बाय dt। अगर मैं बोल देता हूं रेट ऑफ बीबी रिएक्टेंट है वो भी घट ही रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, कैसे लिखोगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, माइनस db बाय dt। अब ये जो c है ये प्रोडक्ट है, तो इसको क्या लिखोगे, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ c, अपियरेंस है, प्रोडक्ट है, टाइम के साथ बढ़ेगा, तो प्लस 1/5 dc, गलत दारों में अपेयरेंस और डिसअपेयरेंस में कभी भी कोफिशियंट नहीं लगता है, तो आप इसको सिंपली क्या लिखने वाले हो, प्लस dc बाय dt। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नो, आप मेरी बात समझ रहे हो, रेट ऑफ रिएक्शन जब भी लिखेंगे कोफिशियंट अपॉन में लग जाते हैं, अपेयरेंस डिसअपेयरेंस में सिर्फ उस रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की बात हो रही होती है, उसके कोफिशियंट का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। अगर कभी आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अपेयरेंस डिसअपेयरेंस दे रखी है, तो क्या करोगे, उसको कोफिशियंट से डिवाइड कर दोगे, और अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन दे रखी है सिर्फ कोफिशियंट अपीयरेंस डिसअपीयरेंस निकालनी है, तो इसको रखोगे ये कोफिशियंट इधर मल्टीप्लाई में हो जाते हैं। एक चीज मैं बता दूं कि कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन अपीयरेंस डिसअपीयरेंस का जो आंसर होता है वो कभी भी माइनस में नहीं आ सकता। बहुत सारे बच्चों के मन में एक डाउट रहता है कि सर कहां गया माइनस, रिएक्शन रिजल्ट हमेशा आंसर हमेशा प्लस में आएगा। क्लियर, चलो एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, सो दैट कि तुम्हें थोड़ा सा समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपको दे रखा है N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, हैबर प्रोसेस है। आपको गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 इज 3.6 × 10^-2 मोल पर लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट
कैलकुलेट इट्स रेट ऑफ रिएक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या कैलकुलेट करना है इसकी, रेट ऑफ रिएक्शन पॉइंट नंबर वन, एंड पॉइंट नंबर टू रेट ऑफ अपियरेंस, रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NH3. बेटा जी इस क्वेश्चन से आप कैसे गो थ्रू होंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे भैया, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन दोगे. आप लोग लिखोगे इसकी रेट ऑफ रिएक्शन, लिख दीजिए. कैसे लिखी जाएगी भाई, माइनस वन बाय वन डी एन टू बाय डी टी. अब ये भी रिएक्टेंट ही है, तो माइनस वन बाय थ्री डी एच टू बाय डी टी. ये प्रोडक्ट है, तो प्लस वन बाय टू डी एन एस थ्री बाय डी टी. ये तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन है. कई बार पेपर में सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन पूछा जा सकता है, अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो पूछा जा सकता है, और ये बहुत आसान है. रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन देना बहुत सिंपल रहता है. अब अगली चीज क्या गिवन है, यहां से आपका आंसर भी स्टार्ट हो जाता है. गिवन क्या है आपको, गिवन है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच टू, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच टू कितना है भाई, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच टू. पहली बात है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ एच टू को आप लिखोगे कैसे, डिसअपियरेंस है तो माइनस डी एच टू बाय डी टी, और कितना दे रखा है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 12. तो सबसे पहला 12 नहीं, 10 की पावर माइनस 2. सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपसे पूछा गया कि इसकी आप लोगों को देनी है रेट ऑफ रिएक्शन. मैंने क्या बोला, अगर कभी अपेरेंस डिसअपेरेंस दे रखे हो, रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है, तो क्या करोगे, उसको कोफिशियंट से डिवाइड कर दोगे. अब H2 का कोफिशियंट क्या है, देखिए ये आपको H2 है और H2 का कोफिशियंट दे रखा है 3. तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप लिखना चाहो H2 की टर्म्स में, रेट ऑफ रिएक्शन लिख दीजिए ब्रो, क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज माइनस वन बाय थ्री डी एच टू बाय डी टी. अब भाई इसकी वैल्यू तो दे रखी है ना, माइनस ऑफ डी एच टू बाय डी टी की वैल्यू तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2. बस ये 1 बाय 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2. पॉइंट नंबर टू आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है रेट ऑफ अपियरेंस ऑफ NH3. अच्छा NH3 की टर्म्स में अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहो तो, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आप लिखना चाहो NH3 की टर्म्स में, देखो ना ये तरीका है रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का, ये भी तरीका है, ये भी तरीका है, तो आप इसे लिख सकते हो. ओके प्लस वन बाय टू डी एन एस थ्री बाय डी टी, ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, आई गेस लिखा जा सकता है. आपको निकालनी है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन एस थ्री, इसको लिखा जाएगा प्लस डी बाय डी टी और इधर एन एस थ्री. तो बेटा क्या करोगे, इस कोफिशियंट को इधर ले जाओ, रेट ऑफ रिएक्शन कितनी दे रखी है 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 2, और इसको क्या कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा डी एन एस थ्री बाई डी टी. और आप इसी की तो वैल्यू निकालना चाह रहे हो, इसकी डी एन एस थ्री बाई डी टी की ही वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करना चाह रहे हो जाएगा कि नहीं. अगला टॉपिक आता है हमारे पास फैक्टर्स. ओके बहुत शानदार, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं. कई सारे फैक्टर हैं ब्रो. सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की मात्रा या रिएक्टेंट का गाढ़ापन. एक जंगल में आग लगी है, नहीं लगनी चाहिए बट एग्जाम्पल है तो क्या करें, पढ़ना पड़ेगा. तो वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और एक जगह पर ऑक्सीजन की सप्लाई ज्यादा है, तो आप लोग बताइए कहां पर रिएक्शन फास्ट होगी. ऑब्वियसली अगर कहीं पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ रही है, याद रखिए एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज
रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। तो आप लोग लिख सकते हो अगर कहीं पर कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। दूसरा फैक्टर, कई सारे फैक्टर हैं। नेक्स्ट फैक्टर इज टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, चाय बन रही है एक टेम्परेचर पे बन रही है, उतना ही अमाउंट लिया चाय पानी पत्ती सब कुछ चीनी दूध, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया तो कौन सी रिएक्शन फास्ट होगी? भाई नो डाउट जो जहां पर टेम्परेचर बढ़ाया है वहां पर रिएक्शन फास्ट होगी। या फिर मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा दूध जो होता है वो गर्मियों में जल्दी खराब हो जाता है, ठीक है ना, हमें जल्दी थकान महसूस होने लगती है गर्मियों के अंदर। एंड इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ जाती है। रिमेंबर वन थिंग दैट एज टेम्परेचर इंक्रीजेज रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। क्लियर है? एक इसका एक डाटा भी है दैट विद एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल या इंक्रीज बाय 2 times, दुगनी हो जाती है भाई। अगला है नेक्स्ट इज फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट मतलब एक जगह पे एक रिएक्शन है जो सॉलिड स्टेट में करवाई जा रही है, एक जगह पे मतलब वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है, एक जगह पे वो लिक्विड स्टेट में है। देखिए रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बन जाना, जब पुराने बॉन्ड टूटते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। अब सॉलिड के अंदर पुराने बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेंगे, और जब पुराना बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा तो नया बॉन्ड आसानी से बनेगा भी नहीं। तो ब्रो सिंपल सी बात है, क्या होगा भाई, सॉलिड से फास्ट रिएक्शन होती है लिक्विड स्टेट में, और लिक्विड से फास्ट रिएक्शन होती है गैसीय स्टेट में। ये फंडा होता है, गैसीय रिएक्शन जो होती है वो ज्यादा फास्ट होती है। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट इज कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का बड़ा फंडा होता है भाई, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की स्पीड को अल्टर कर सकते हैं। कैटलिस्ट कहते किसे हैं, दोज केमिकल सब्सटेंस विच चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, विच चेंज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। केमिकल रिएक्शन विदाउट अंडरगोइंग एनी चेंज इन इटसेल्फ। ठीक है ना, कैटलिस्ट क्या होते हैं, वो केमिकल सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर सकते हैं और उन पे खुद पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ, दूध है, दूध एक टाइम के बाद खराब हो जाता है, बट अगर आप उसमें नींबू निचोड़ दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। ठीक है ना, हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, पिताजी हमें घूर देते हैं या हमारे साथ हल्की फुल्की फिजिकल वायलेंस कर देते हैं, तो उनका वो जो थप्पड़ है वो हमारे लिए कैटलिस्ट का रोल प्ले करेगा, हम बहुत फास्ट भी उस रिएक्शन को करेंगे। ठीक है, बाकी कैटलिस्ट हमारे दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे पिताजी ने थप्पड़ मारा तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, और मम्मी ने अगर थप्पड़ मारा तो हम उस रिएक्शन को, हम उस काम को करेंगे भी नहीं। अब शायद वो काम एक घंटे में हो सकता है, मम्मी के थप्पड़ के बाद वो होगा ही नहीं, स्पीड स्लो होगी है ना। पॉजिटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। और नेगेटिव कैटलिस्ट किसे कहते हैं, विच डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को ब्रो डिक्रीज कर देते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट बोल देते हैं भाई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, कैटलिस्ट के बाद नेक्स्ट आता है सनलाइट। तो सनलाइट का भी फर्क तो पड़ता ही है ना। क्या होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं या कई ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जो विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं होती, ठीक है, उन केमिकल रिएक्शंस को कहा जाता है फोटो केमिकल रिएक्शन। दो रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट,
विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट आर कॉल्ड, उन्हीं को क्या बोलते हो आप लोग, आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। एक फोटोसिंथेसिस याद है ना, बायो में होता था, इन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं। साधारण सी डेफिनेशन क्या होगी, वो रिएक्शन भैया जो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं। क्लियर। अब देखिए, जैसे कि एक है हमारे पास H2 प्लस Cl2, ये क्या बन गया 2HCl इन द प्रेजेंस ऑफ H nu इज सनलाइट। क्लियर है। अगला फंडा हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी मैं कोशिश करता हूँ आपको सिंपल वे में समझ में आ जाए, ठीक है ना, समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि ये हमारे पास एक रिएक्शन है, ठीक है, इधर हम एनर्जी लिख देते हैं और इधर लिख देते हैं प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन किस तरह से हो रही है। रिएक्शन की प्रोग्रेस तो कैसी होती है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा होता है, बट रिमेंबर वन थिंग कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कभी भी डायरेक्ट नहीं बनता है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने के लिए यहां पर इसको एक एनर्जी बैरियर क्रॉस करना पड़ता है, और इस पॉइंट की जो एनर्जी होती है ना, दिस एनर्जी इज नोन एज थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और जनरली रिएक्टेंट्स के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है, तो उनको अलग से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। जनरली रिएक्टेंट्स के पास वो एनर्जी होती नहीं है, हमें वो एनर्जी उन्हें देनी पड़ती है, तो उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहा जाता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू रिएक्टेंट सो दैट एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट becomes equal to threshold energy and a reaction takes place। अब मुझे बताओ कि यार ये रिएक्शन एनर्जी अगर ज्यादा है, ठीक है, तो रिएक्शन इजिली नहीं हो पाएगी। आई गेस मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। अपने पास भारत सर है ना, आईफोन 11 वाले भारत सर हैं, उन्होंने आईफोन 12 वाले भारत सर बनना है। अच्छा एग्जांपल है, शो भी हो जाता है साथ के साथ, है ना। आईफोन 11 प्रो मैक्स वाले भारत सर हैं और उन्होंने बनाया आईफोन 12 प्रो मैक्स वाले भारत सर। मान लेते हैं कि इनकी मार्केट, इसकी मार्केट में वैल्यू है 50,000 और इसकी मार्केट में वैल्यू है 70,000, तो इन्हें 20,000 की अलग से जरूरत पड़ेगी तभी रिएक्शन पॉसिबल है। या फिर दूसरा सिनेरियो मान के चलते हैं कि आईफोन 11 प्रो मैक्स वाले भारत सर हैं और उन्हें बनना है आईफोन 13 प्रो मैक्स वाले भारत सर। सेकंड हैंड की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मान के चलिए कि ये 50,000 का है और ये 1,00,000 का है, तो इसमें इन्हें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी 50,000, तो मतलब जो एक्स्ट्रा चाहिए। अब आप लोग मुझे बताओ कि कौन सी रिएक्शन जल्दी हो सकती है। कॉमन सेंस है भाई, जहां पर 20,000 वो जल्दी अरेंज हो सकते हैं, वो एक्स्ट्रा चाहिए। 50,000 को अरेंज करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो रिएक्शन थोड़ी फास्टर रहेगी। तो याद रखिए दैट इन अ केमिकल रिएक्शन लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, जितनी कम आपकी एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही रिएक्शन फास्ट हो जाए, फास्टर विल बी द रिएक्शन, उतनी ही फास्टर वहां से रिएक्शन हो जाने वाली है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आई होप यू आर क्लियर है। तो अगला आ जाता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के नेचर का भी अलग अलग फंडा होता है, मतलब कई रिएक्शन ऐसे होते हैं जो देखने में एक जैसी लगती है बट उनकी स्पीड एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। जैसे कि 2CO प्लस O2 gives 2CO2, ठीक है ना, 2NO प्लस O2 gives 2NO2। अब ये रिएक्शन स्लो है और ये रिएक्शन क्या है बेटा जी, फास्ट है। क्यों? क्योंकि दोनों में रिएक्टेंट अलग अलग है, और जब रिएक्टेंट अलग अलग हो जाते हैं तो रिएक्शन की
स्पीड भी तनिक डिफरेंट हो जाती है, थोड़ी सी अलग हो जाती है। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है बेटा जी, दैट इज रेट लॉ। क्या आ जाता है? रेट लॉ। रेट लॉ का क्या फंडा है? रेट लॉ क्या बताता है कि किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे किस तरह से डिपेंड करती है। और मैं ये अभी आपको बता ही चुका हूं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। भाई करती है कि नहीं करती है? बोलो। ऑब्वियसली वो करती है, ठीक है ना। तो रेट लॉ क्या बोलता है? दैट चेंज या सॉरी रेट ऑफ अ रिएक्शन, रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब यहां पर मल्टीप्लीकेशन वाला प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट नहीं, मल्टीप्लाई वाला। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ईच रेज टू द पावर, एंड ईच रेज टू द पावर देयर कोफिशियंट या देयर कंसेंट्रेशन टर्म ऑन विच रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली डिपेंड्स, एक्चुअली डिपेंड्स। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि ये एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, और जब भी हम एक एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट की थ्योरी पढ़ते हैं ना ब्रो, तो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, ठीक है। चलो, या फिर यहां से इस डेफिनेशन को दोबारा भी बना सकते हैं, और ईच रेज टू द पावर, ईच रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज्ड कंसेंट्रेशन टर्म, देयर एक्चुअल यूज्ड कंसेंट्रेशन टर्म। अब क्या कहानी है ये, क्या कहना चाह रहा हूं मैं? देखिए, कोई भी एक रिएक्शन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये है ए, ए प्लस बी, बी गिव्स प्रोडक्ट। देखिए यार, ये तो कॉमन सेंस है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है, स्पीड ऑफ रिएक्शन जो होती है, वो रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है। तो आप लोग क्या लिख दोगे? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? ए एंड बी, है ना, ए और बी पे डिपेंड करेगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसकी पावर क्या बनेगी। देखिए, एक 11th क्लास में लॉ था जिसे हम लोग बोलते थे लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। किसने दिया था कमेंट सेक्शन में बता देना, पता लग जाए कितने बच्चों को पता है, ठीक है। अब वो क्या बोलते थे कि जो कोफिशियंट दे रखा है ना, वही पावर बना दो। मतलब इसकी, इसका कोफिशियंट है, इसका कोफिशियंट भी है, तो यही पावर बना दो। बट रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ जो है मॉडिफाइड फॉर्म है, और मॉडिफाइड फॉर्म क्या होती है कि जो पिछली गलतियों को सुधार सके। अब जैसे कि हमने वन शॉट ये पिछले साल भी बनाए हुए हैं, बट ये दोबारा से इसलिए बनाए जा रहे हैं सो दैट कि थोड़ी साउंड क्वालिटी अच्छी हो, और थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाई दे रहा हो, है ना, और थोड़ा शो ऑफ हो कि हाँ यार हमने आईपैड ले लिया है, मजाक कर रहा हूँ। तो बेटा जी, टॉपिक पे आते हैं। ये इसकी मॉडिफाइड फॉर्म है, इसमें हमें एक्चुअल यूज पता लगाना है। मान लीजिए कि इसका एक्चुअल यूज है अल्फा, इसका एक्चुअल यूज है बीटा। ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल डाटा होगा तभी पता चलेगा, बाकी एक दो रिएक्शन को देख के बताया जा सकता है। तो ये ए की पावर क्या बनेगी इधर अल्फा, बी की पावर क्या बनेगी बीटा। मैं दोबारा समझा देता हूं क्या होता है रेट लॉ। रेट लॉ बोलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे। ये आपने कर दिया कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, रेज टू द पावर देयर एक्चुअल यूज्ड कंसेंट्रेशन टर्म, एक्चुअल में यूज हुई है, या फिर ऐसे कोफिशिएंट जिन पे रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअल में डिपेंड कर रही है, और वो है अल्फा एंड बीटा। एक प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। जैसे कि हमारे पास है एच टू प्लस सी एल टू गिव्स टू एस सी एल, ठीक है, और यहां पर किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है। हमें पता चला कि एक्चुअल यूज इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाने में भाई साहब का जीरो रोल था और बहन जी का जीरो रोल था।
तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा तो बेटा क्या लिखी जाएगी इसकी रेट ऑफ रिएक्शन? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टेंट, दैट इज एच टू एंड सी एल टू रेज टू द पावर व्हाट? जीरो। जीरो पावर क्या बनेगी जो एक्चुअल में यूज है, वो गिवन होगी या फिर कई तरीके हैं सोल्व करने के, वो इसमें हम करेंगे भी, वो देखेंगे भी हम लोग, घबराया मत करो जल्दी, ठीक है ना। अच्छा एक दोबारा से मैं बता देता हूं, जैसे कि एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, इसका हमें एक्चुअल में यूज पता चला कि इसकी कंसंट्रेशन का एंड टाइम जो है वो एक्चुअल में यूज हो रहा है, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगी भाई? रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर एन। इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आता है, के आर की पावर एन रेट ऑफ रिएक्शन। और यहां पर ये जो भाई साहब हैं हमारे के भैया, इनको क्या बोला जाता है, इनके कई सारे नाम होते हैं, दिस के भैया इज नोन एज रेट कॉन्स्टेंट। क्या बोला जाता है इसे? रेट कॉन्स्टेंट या फिर वेलोसिटी कॉन्स्टेंट भी बोल देते हैं इसको, वेलोसिटी कॉन्स्टेंट, ठीक है, या फिर इसे बोल देते हैं स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो सबसे पहले तो हो जाती है रेट कॉन्स्टेंट की डेफिनेशन क्या है, किसी भी रेट कॉन्स्टेंट को आप लोग डिफाइन किस तरह से कर सकते हो, वो बात कर लेते हैं। तो भैया डेफिनेशन सिंपल है, ये था ना रेट ऑफ रिएक्शन इज के और इज इक्वल्स टू के और ये आर की पावर एन। अब अगर ये रिएक्टेंट वन हो जाए तो ये के इसके इक्वल हो जाएगा, तो आप लोग क्या बोलोगे, मान के चलिए रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपने वन बोल दी, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के। तो किस तरह से लिखोगे, सिंपल सी डेफिनेशन, रेट ऑफ रिएक्शन या रेट कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट, वैसे इस रिएक्शन में तो एक ही था, अगर एक से ज्यादा भी होते, ईच रिएक्टेंट बिकम्स कॉन्स्टेंट, ठीक है, कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रेट कॉन्स्टेंट के ही इक्वल है। कब भाई, कब, जब आपका क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो यूनिटी हो जाए। क्लियर है, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कॉन्स्टेंट। रेट कॉन्स्टेंट दादा के बारे में कुछ खास बातें याद रखिएगा, अगर कहीं पर रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, लार्जर द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट फास्टर विल बी द रिएक्शन, पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर टू, अगली बात क्या होती है, इट्स वैल्यू डजंट डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसकी जो ये बातें याद रखने की हैं कि इसकी वैल्यू रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करती है, तो किस पे डिपेंड करती है, इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, और इसका एक इक्वेशन भी आती थी, आरहेनियस इक्वेशन, बट सीबीएसई वाले देखो कितने अच्छे हैं, उन्होंने उसको हटा दिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी बन जाते थे बट अभी वो उड़ा दिया गया है। पॉइंट ये है, अगला ये है, याद रखना कि हर एक रिएक्शन के लिए रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू अलग होती है। इस रिएक्शन हैज अ डेफिनेट वैल्यू,
ऑफ रेट कांस्टेंट। हर एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक डेफिनेट होगी, अलग होगी मतलब, और उस रिएक्शन के लिए मतलब एक रिएक्शन के लिए भी रेट कांस्टेंट की वैल्यू फॉर अ गिवन रिएक्शन वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट चेंजेस विद टेम्परेचर। एक रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर के साथ चेंज होती रहती है। अगली बात है, द रेट कांस्टेंट, ठीक है रिपीट कर देता हूं कि ये हमें रिएक्शन की स्पीड के बारे में बता रहा होता है एक तरह से। अगर कहीं पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पर उस रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। पॉइंट नंबर वन, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अलग अलग रिएक्शन के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है, एक रिएक्शन के लिए भी इसकी वैल्यू अलग अलग हो सकती है अगर आप टेम्परेचर अलग करोगे। एक स्पेसिफिक रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की एक वैल्यू है, उस रिएक्शन में टेम्परेचर बदलोगे उसी रिएक्शन में एक अलग वैल्यू रेट कांस्टेंट की देखने को मिलेगी, और टेम्परेचर बदलोगे और वैल्यू, मतलब टेम्परेचर के साथ बदलता रहता है, इसकी वैल्यू टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और अगली बात है जो इंपॉर्टेंट बात है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं, दैट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है भैया, ऑर्डर पे। अब ये ऑर्डर क्या भला है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, ठीक है। अब देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात स्टार्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम लोग किसे कहते हैं। देखिए यार सिंपल सी बात है, अभी आप लोगों ने क्या किया था, अभी आप लोगों ने एक रिएक्शन के लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन दिया था। जैसे कि हम लोग एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं, कुछ भी एक रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है ए ए, अरे भाई ये क्या हो रहा है, ए ए प्लस बी बी गिव्स प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहां से हमें पता चला कि इसका जो एक्चुअल यूज हुआ है, इसकी कंसंट्रेशन का अल्फा यूज हुआ है और इसकी कंसंट्रेशन का बीटा यूज हुआ है। तो यहां से अगर मैं रेट लॉ का एक्सप्रेशन दूं, रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहां पर अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूं तो मैं क्या लिख दूंगा भाई, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। अभी जो पावर्स है ना भाई, इन पावर का सम ही ऑर्डर कहलाता है। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, इट इज द ओके इट इज द सम ऑफ पावर्स ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स अकॉर्डिंग टू रेट लॉ एक्सप्रेशन कि रेट लॉ का जो एक्सप्रेशन दे रखा है उसके अकॉर्डिंग जो पावर देखी रखी है उन पावर्स का आप लोग सम कर दो, उन पावर्स का सम ही क्या कहलाता है भैया, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहां से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब देखिए पावर क्या है, इसकी पावर है ए की पावर है अल्फा, बी की पावर है बीटा, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज अल्फा प्लस बीटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है अल्फा एंड बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या है बीटा, तो याद रखिए ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कुछ भी हो सकता है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी जीरो वन टू इवन फ्रैक्शनल हाफ वन एंड हाफ, इस तरह से कुछ भी हो सकता है। अब देखिए अगला जो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका यहां से, देखिए जैसे कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है ब्रो, रिएक्टेंट से बन रहा है प्रोडक्ट, तो मैं इसके लिए अगर रेट लिखूंगा, रेट क्या जाएगा के आर की पावर
एन, ये रेट लॉ का एक्सप्रेशन है, और रेट लॉ के एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग ये जो एन आया है, दिस एन इज ऑर्डर, दिस एन इज ऑर्डर। के को मैं इधर रख लेता हूं, और ये इधर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना, ये इधर क्या है बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन है, अपॉन में क्या आ जाएगा, रिएक्टेंट, ठीक है ना, रिएक्टेंट की पावर एन। शायद तुम्हें याद है, शायद तुम्हें याद नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट अभी कुछ समय पहले ही करवाई है, क्या करवाई है, मोल पर लीटर पर सेकंड, और यहां पर रिएक्टेंट की पावर एन है, यानी कि मोल पर लीटर की पावर एन इक्वल्स टू के। यहां से अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, के ये ऊपर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, के इज मोल पर लीटर, इस पूरे की पावर वन, ये पर सेकंड, और ये मोल पर लीटर की पावर क्या, ऊपर जाके क्या हो जाएगी, इसकी पावर माइनस एन, यही हो जाएगा ना भाई। अब क्या होता है, अगर बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, तो यहां से के का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बेटा, अगले पेज पे अगर आप लिखो, के का फॉर्मूला हो जाएगा मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन पर सेकेंड। और अगर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, तो के का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एटमोस्फेरिक की पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। अब देखो अगली बात करते हैं, जैसे कि आपको किसी ने बोला कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है, तो उसके लिए आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। अभी आप थोड़ी देर पहले बोल के भी आए हो कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज गिवन बाय द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि ये रिएक्शन हमारी किस ऑर्डर की है, जीरो ऑर्डर की है, तो यहां से एन की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, एन की वैल्यू यहां से जीरो हो जाने वाली है, ठीक है ना। तो के क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर की पावर वन माइनस जीरो पर सेकेंड, वन माइनस जीरो इज वन, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। मान के चलिए आपकी रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है, या चलो फर्स्ट ऑर्डर की मान लेते हैं, सेकंड ऑर्डर कुछ ही मान सकते हो आप लोग, है ना, मान के तो चल रहे हैं अभी। तो ये क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर फर्स्ट ऑर्डर की है, एन इक्वल टू वन, तो के इक्वल टू क्या होता है, मोल पर लीटर की पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, वन माइनस एन, एन कितना है यहाँ पर, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो ये हो जाएगा वन, वन माइनस वन जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो वो चीज वन हो जाती है, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, पर सेकेंड। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आपकी रिएक्शन गैसियस भी हो सकती है, अगर गैसियस हो जाती है, और मान के चलो कि रिएक्शन का ऑर्डर सेकेंड है, मान लेते हैं, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर है, स्पेसिफिकली वो मेंशन करेगा कि हाँ यार यहाँ पर आपके पास गैसियस रिएक्टेंट है, तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा ब्रो यहाँ से, टू, एन इक्वल टू कितना हो गया, टू, तो के का फॉर्मूला क्या था, अगर गैसियस रिएक्टेंट है तो एटमोस्फेरिक की पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, वन माइनस एन, एन इज टू, वन माइनस टू इज माइनस वन, माइनस वन अंदर जाएगा, एटमोस्फेरिक की पावर माइनस वन पर सेकेंड। फ्रैक्शनल भी हो सकती है, मान के चलो कि आपकी जो रिएक्शन है उसका ऑर्डर है टू बाई थ्री, ठीक है, टू बाई थ्री, बड़ी देर से रेड कलर यूज कर रहे हैं, चेंज करते हैं। के का फॉर्मूला क्या होता है, एटमोस्फेरिक की पावर वन माइनस एन पर सेकेंड, और एन इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा, थ्री, तो क्या हो जाएगा भाई, एटमोस्फेरिक वन माइनस टू बाई थ्री पर सेकेंड, और ये थ्री माइनस टू वन बाई थ्री आ जाएगा, एटमोस्फेरिक की पावर वन बाई थ्री, और ये पर सेकेंड। इससे रिलेटेड कई सारे ना क्वेश्चन भी आए हैं, इसी तरह से ना कई सारे क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि आपको ना, जैसे कि कोई आपसे यहाँ पे पूछ लेता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर बताओ, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर देखिए, फॉर अ रिएक्शन ए प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट द रेट लॉ इज गिवन बाय दिस, इसका ऑर्डर बताना है, तो ए की पावर वन बाय टू है और बी की पावर टू है, ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर, तो वन बाय टू प्लस टू दैट इज टू एंड हाफ, या कह लीजिए फाइव बाय टू, ठीक है ना। और आपको क्या दे रखा है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम द गिवन रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट से आपको ऑर्डर बताना है। तो देखिए अगर आपको रेट कांस्टेंट से ऑर्डर बताना है तो कैसे बता सकते हो भैया, आपको ना लीटर को चेक करना है, लीटर जो भी दे रखा है तो आप उसमें वन जोड़ दो,
लीटर की पावर यहाँ पर वन है, इसमें आप वन जोड़ दोगे लीटर की पावर टू हो जाएगी, तो ये सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। मान के चलो कहीं पर आपको दे रखा है, कहीं पर आपको रेट कॉन्स्टेंट के यूनिट दे रखे, के इज पर सेकंड है, आपको इसका ऑर्डर बताना है, तो कैसे बताओगे? मैंने क्या बोला, लीटर की पावर में वन जोड़ दो, लीटर तो दे नहीं रखा, तो लीटर की पावर यहाँ पे क्या मान लोगे आप, जीरो। और लीटर की पावर जीरो में जब आप वन जोड़ दोगे तो यहां से जो बना, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। क्लियर है? मान के चलो कि के की वैल्यू है आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। अब लीटर की पावर में क्या जोड़ दोगे, वन जोड़ दोगे, माइनस वन प्लस वन इज जीरो, दैट इज ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। मतलब आसान रहता है ये, कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। क्लियर है बेटा? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ना एक बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, दैट व्हाट इज मोलिकुलैरिटी। ठीक है, व्हाट इज मोलिकुलैरिटी, मोलिकुलैरिटी किसे कहते हैं, मोलिकुलैरिटी सिंपल सी डेफिनेशन होती है, इट इज द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। ओके, बहुत शानदार, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेक पार्ट या टेकिंग पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, इन अ केमिकल रिएक्शन। या फिर दूसरे शब्दों में दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, इट इज द नंबर ऑफ एटम आयन और मोलिक्यूल दैट कोलाइड विद ईच अदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन। कि एक रिएक्शन के अंदर कितने रिएक्टेंट आपस में टकरा रहे हैं, या कितने रिएक्टेंट उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, उसी को हम उसकी क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी बोल देते हैं। देखिए, जैसे कि एक रिएक्शन है ए से बी बन रहा है, इधर सिर्फ एक रिएक्टेंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है भाई, तो अरे भाई 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 ओके, इधर सिर्फ एक ही रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहां से इसकी मोलिकुलरिटी, क्षमा चाहता हूं, इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी, या फिर इसे आप लोग क्या बोल देने वाले, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोल देने वाले। मान के चलो ए प्लस बी है ठीक है, यहां से एक प्रोडक्ट बन रहा है, तो इधर कितने रिएक्टेंट है भाई, आप फोकस कीजिए, इधर दो रिएक्टेंट है, तो इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी, इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी टू। मान के चलिए कि ए प्लस टू बी है, उनसे प्रोडक्ट बन रहा है। मोलिकुलरिटी एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है, एक रिएक्शन को देख के उसकी मोलिकुलरिटी बताई जा सकती है, ठीक है, इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी बेटा जी, इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी थ्री। ठीक है, प्रॉपर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है ये NH4NO2 अमोनियम नाइट्राइड है, ये जब ब्रेक होता है ये हो जाता है N2+2H2। अब इधर इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो जाएगी बेटा जी, आपको दिखाई दे रहा है कि इधर ये सिर्फ वन ही है, तो इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी वन। मान के चलो ये है 2HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड की डिसोसिएशन है, ये डिसोसिएट हो गया H2+I2 में, इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी भाई, बेटा जी इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी टू। जैसे कि ये है 2NO+O2 gives 2NO2, इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, इसकी मोलिकुलरिटी हो जाएगी भैया थ्री। तो एक बात याद रखनी है आप लोगों ने, इस तरह से मोलिकुलरिटी होती है, और कभी भी ना मोलिकुलरिटी कभी भी नहीं, जनरली मोलिकुलरिटी थ्री से ज्यादा नहीं होती है, थ्री या थ्री से कमी हो सकती है। मोलिकुलरिटी ये नोट में लिख सकते हो, दैट की मोलिकुलरिटी अबव देन थ्री
अबव देम थ्री इज रेयर। रेयर क्यों होता है सर? बिकॉज बिकॉज प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स, मोर देन थ्री मॉलिक्यूल्स टू कोलाइड विद ईच अदर, कोलाइड विद ईच अदर इज वेरी स्मॉल। ऐसा नहीं होगा कि तीन से ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर सके, ऐसा बहुत रेयर होता है कि हाँ साइमल्टेनियस कोलिजन हो, है ना। तीनों बंदे, अब रेसलिंग में भी ऐसा नहीं होता, WWE देखा हो, दो ही अच्छे से लड़ सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है दो एक को पकड़ के छेद दें, वो अच्छे से हो जाता है, वरना तीन एक को वो फील सी नहीं बनती है, साइमल्टेनियस कोलिजन जो है नहीं हो पाता। क्लियर है? अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, और मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, डिफरेंस हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये नहीं है देखिए प्रॉपर पूरा डिफरेंस तो पेपर में नहीं आता जनरली, बट उसके एक एक टॉपिक से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर। मोलिकुलरिटी किसे कहते हैं भाई? नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स दैट कोलाइड साइमल्टेनियसली टू गिव अ प्रोडक्ट। कि कितने रिएक्टेंट ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं, और टकरा के वो इन द एंड क्या बना देते हैं? प्रोडक्ट बना देते हैं। ये एक्चुअल में कोलिजन थ्योरी डिसाइड करती है। अब कोलिजन थ्योरी सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर इट इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन अकॉर्डिंग टू रेट लो एक्सप्रेशन कि रेट लो का जो एक्सप्रेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग जो पावर बन रही है कंसंट्रेशन टर्म्स में, कि उन पावर्स का सम कर दो। ठीक है, याद रखिए मोलिकुलरिटी इज ऑलवेज अ होल नंबर वन टू थ्री सो ऑन। ठीक है, ऑर्डर कैन बी होल नंबर एंड फ्रैक्शनल। क्लियर है? अगली बात करें, जो ऑर्डर है, सॉरी मोलिकुलरिटी जो है, मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट। मोलिकुलरिटी कैसा कंसेप्ट है भाई? मोलिकुलरिटी इज अ थ्योरेटिकल कंसेप्ट, थ्योरेटिकल कंसेप्ट। व्हाइल ऑर्डर क्या है? ऑर्डर इज एन एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट। ऑर्डर कैसा कंसेप्ट है भाई? एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंटली ही डिटरमाइन किया जा सकता है ऑर्डर को। ठीक है, अगली बात करते हैं, जो मोलिकुलरिटी है, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल, मोलिकुलरिटी इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री रिएक्शन ओनली। सिर्फ कहां पर एप्लीकेबल है? एलिमेंट्री रिएक्शंस पर। व्हाइल ऑर्डर इज एप्लीकेबल टू एलिमेंट्री, राइटिंग बहुत गंदी आ रही है यार,
एज वेल एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अगली बात करते हैं, मोलिकुलरिटी कैन बी जीरो। मोलिकुलरिटी जीरो हो सकती है भाई, नहीं गलत जा रहा हूं, मोलिकुलरिटी कांट बी जीरो, ऑर्डर कैन बी जीरो, ऑर्डर जीरो हो सकता है। ठीक है ना, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं है, बस सिंपल तो है, बट राइटिंग बहुत गंदी आ रही है। मुझे ऐसा लगता था बहुत अच्छी राइटिंग आ जाती है आईपैड पे, बट आजकल बहुत गंदी राइटिंग आ रही है। ठीक है बेटा, तो ये था अपना डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन जाते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, देखिए क्या होता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, फोकस करते हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड मतलब इंटीग्रेशन करके सॉल्व करना है उसको, और ये जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर के लिए है हमारे सिलेबस में। ठीक है, अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोग किसे कहोगे, किस रिएक्शन को आप लोग फर्स्ट ऑर्डर कह सकते हो? भैया फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसमें आर उस रिएक्टेंट की पावर क्या बनेगी, वन, मतलब ऐसी रिएक्शन जो रिएक्टेंट की एक कंसेंट्रेशन टर्म पे डिपेंड कर रही हो। सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी यहां से, दो रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन वन कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिनकी जो रेट है, जिनकी जो स्पीड है, रिएक्टेंट की एक कंसंट्रेशन टर्म पे डिपेंड करती है, उन रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि R गिव्स P, ठीक है, मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं तो मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 1। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का एक तरीका ये भी था आई गेस, माइनस डी आर बाई डी टी इक्वल्स टू के, और ये R की पावर 1 है, ये एज इट इज रहेगा। डी टी को उधर ले जाओ, R को इधर ले आओ, ये क्या बन जाएगा भाई, माइनस डी आर बाय आर इक्वल्स टू के डी टी। अब इसके बाद दोनों साइड क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। डी आर बाय आर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, एल एन आर, और के डी टी की इंटीग्रेशन क्या आएगी, टी, और जब भी इंटीग्रेशन करते हैं कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट आता है, दैट कॉन्स्टेंट इज सी, और इस सी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट। इस सी की वैल्यू निकालनी है तो हम टाइम को मानेंगे जीरो, और टाइम को जब जीरो मानते हैं तो जो रिएक्टेंट है वो आर नोट हो जाता है। आर नोट का मतलब होता है जीरो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट में कोई चेंज नहीं हुआ है तो इट मीन्स उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ही है। ठीक है ना, तो ये वैल्यू जब आप पुट करोगे इधर इस इक्वेशन में, इसको इवन अगर आप बोलना चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब टी की वैल्यू जीरो पुट कर दो तो के जीरो आ जाएगा, और यहां से सी की वैल्यू आ जाएगी, सी इज माइनस एल एन आर नोट। ठीक है ना, अब ये वैल्यू पुट कर दो तो यहां से क्या बन जाएगा, माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी, और सी की वैल्यू क्या है, माइनस एल एन आर नोट है। इसको एक तरफ ले जाओ, ये क्या हो जाएगा, एल एन आर नोट माइनस एल एन आर इक्वल्स टू के टी। ठीक है ना, शायद आपको फॉर्मूला याद हो, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई क्या होता है भाई, लॉग एक्स बाय वाई, तो क्या हो जाएगा, एल एन आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू के टी। एल एन की वैल्यू कितनी होती है, 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर इक्वल्स टू टी, और ये के अपॉन में, ये आपका क्या आ गया है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर।
अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन आप लोग किसे कहते हो? जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है बेटा जी उन रिएक्शन को जो डिपेंड करती है जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पे। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या होगी, दो रिएक्शन हुज रेट डिपेंड्स अपॉन जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट जो है, जिनकी स्पीड जो है जीरो कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आर गिव्स पी है। तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन इज आर की पावर जीरो, और किसी भी चीज की पावर जीरो तो वो वन हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस डी आर बाई डी टी, इसको हटाएंगे तो एक के डी टू को उधर ले जाओ, ये क्या हो जाएगा माइनस डी आर और ये के डी टी। इसके बाद क्या करते हो, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ओके बहुत गंदा काम किया ये, इंटीग्रेशन ऑफ डी आर और ये के इंटीग्रेशन ऑफ dt। अब dr की इंटीग्रेशन क्या आएगी भाई, r, और k dt की इंटीग्रेशन क्या आएगी, क्या हो रहा है यार, ये आ जाएगा r और ये क्या आ जाएगा k t। अच्छा मैं कोशिश करूंगा यार कि ना इसके बाद ना मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊं, ये आईपैड बहुत धोखा देने लग गया। इसकी इंटीग्रेशन जो आएगी वो आएगी c, ठीक है। ये क्या है आपके पास, इट इज योर इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये जो है ये हमारे पास इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू हमने निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू, टाइम को जीरो मान लेंगे, आर क्या हो जाएगा, आर बिकम्स आर नोट, आर नोट का मतलब होता है जीरो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू पुट करोगे जब इस इक्वेशन में, ये इक्वेशन आपकी इक्वेशन नंबर वन बना सकते हैं इसको, ठीक है, टी जीरो पुट कर दो, आर क्या देगा माइनस आर नॉट इक्वल टू सी। अब ये जो सी की वैल्यू पुट कर दो, ये क्या देगा माइनस आर इक्वल टू के टी, और सी की वैल्यू क्या है माइनस आर नॉट, इसको इधर ले जाएंगे, ये आर नॉट माइनस आर इक्वल टू के टी, और टी क्या देगा यहाँ से आर नॉट माइनस आर अपॉन में के, आर नॉट माइनस आर अपॉन में के। ये आपकी जीरो ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है। फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या थी, टी इज टू पॉइंट थ्री जीरो, यार बहुत गंदा एक्सपीरियंस हो रहा है, 303 बाय के लोग आर नोट बाय आर, ठीक है, और सारे दोबारा लिखने पड़ेंगे, टी इज 2.303 बाय के लॉग आर नोट बाय आर, और जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, टी इज आर नोट माइनस आर अपॉन में के, आई गेस तो ये, हाँ आर नोट माइनस आर बाय के। यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक निकल के आता है, नाम भी सुना होगा आप लोगों ने, हाफ लाइफ पीरियड के बारे में, हाफ लाइफ पीरियड। अब हाफ लाइफ पीरियड को कैसे करते हैं, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या होता है, देखिए एक रिएक्शन को हम पूरा कब मानते हैं, जब उसका रिएक्टेंट बिल्कुल खत्म हो जाता है। हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि जब उसका रिएक्टेंट आधा हो जाए। 25% का मतलब क्या है कि जब उस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो 25% हो जाए। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या होगा, सिंपल सी डेफिनेशन है, इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस्ड। फोकस कीजिएगा कि इसको यहां पर हम टी को क्या लिखने जाते हैं भाई,
टी वन बाई टू, और आर को क्या लिखने लग जाते हैं, आर नॉट बाय टू। क्लियर है? अब देखिए टी टी वन बाय टू हो गया, आर क्या हो गया आपका, आर नॉट बाय टू। अब ये अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर देते हैं पहले इसको ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जब आप इसे करोगे तो टी लिखा हुआ है, टी को क्या लिख देंगे, टी वन बाय टू, और ये 2.303, कितनी गंदी राइटिंग, 2.303 बाय के लोग आर नोट और बाय में आर, आर की जगह पे क्या लिख दोगे, आर नोट बाय का टू ऊपर, ठीक है, आर नोट से आर नोट कैंसिल और लोग टू की वैल्यू होती है 0.3010, तो ये 2.303 बाय के और ये 0.3010, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.693 बाय के, ये आपकी क्या आ गया, टी हाफ। जीरो ऑर्डर के लिए अगर करोगे टी की जगह पे क्या पुट कर दोगे, टी वन बाय टू, ये है ना आपका जीरो ऑर्डर के लिए, टी की जगह क्या पुट कर दिया, टी वन बाय टू, और ये आर नोट माइनस आर की जगह पे क्या पुट कर दोगे, आर नोट बाय टू, ये पॉन में के, तो यहाँ से टी हाफ क्या हो जाएगा, आर नोट बाय टू के। आई थिंक क्लियर होगा सब, क्लियर होना भी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे दो तीन क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, जनरली जो क्वेश्चन बन जाते हैं वो आपके बनते हैं भैया फर्स्ट ऑर्डर से, हाफ लाइफ से जनरली क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे फर्स्ट ऑर्डर की हाफ लाइफ से क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्या है भाई, टी वन बाय टू का फॉर्मूला क्या है, टी वन बाय टू इज 0.693 बाय के। तो यहां से आपको बोल दिया कि कैलकुलेट हाफ लाइफ इफ रेट कॉन्स्टेंट इज 2 मिनट इनवर्स। तो यहां से इसको सिंपल आउट कर सकते हैं कि नहीं, टी हाफ क्या होता है, टी हाफ इज 0.693 बाय में के, कितना आ जाएगा, टू, इसको सिंपल आउट कर दोगे हो जाएगा 0.346, है ना। जैसे अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है, कई बार ये पूछा जाता है कि हाफ लाइफ दे रखा है आपको, टी हाफ इज 5 सेकंड, 5 सेकंड कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। तो टी हाफ का फॉर्मूला क्या होता है, टी हाफ इज 0.693 बाय के, 0.693 बाय के, और ये क्या हो जाएगा, के की वैल्यू निकालें ना, के को उधर ले जाएंगे 0.693, और बाय में टी हाफ कितना दे रखा आपको, 5, सिंपल आउट कर लो 0.138, है ना, सेकंड इनवर्स। रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स होगी ना फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो या मिनट इनवर्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक फेमस क्वेश्चन बन जाता है, प्रूव दैट, प्रूव दैट टी 99% इज 2 times ऑफ टी 90%। तो कर देते हैं, अच्छा जब आप इसकी न्यूमेरिकल करोगे ना परसेंटेज बेस वाले, तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला ऐसे लिख लेना, टी इज 2.303 बाय के लॉग ए बाय ए माइनस एक्स, वेयर ए मीन्स क्या होता है, इनिशियल कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स क्या होता है बेटा, चेंज इन कंसेंट्रेशन। मैं समझाता हूँ, जैसे कि आपको बोलता है कोई कि टी 99% के लिए एक्सप्रेशन दीजिए, तो आप लोग टी 99% के लिए क्या एक्सप्रेशन दोगे, ये हो जाएगा 2.303 बाय के लोग, ए मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन, और इनिशियल कंसेंट्रेशन परसेंटेज की बात हो रही है तो 100 ही होगी, और 100 माइनस एक्स मतलब उसमें से कितना रिड्यूस हो चुका है, 100 माइनस एक्स 99% खत्म हो चुके हैं, यानी कि 100 माइनस 99 दैट इज 1, ठीक है। और यहां से अगर आप इसको सिंपल आउट करना चाहो तो ये लिख सकते हो 2.303 बाय के लॉग 100 को लॉग 10 की पावर 2, पावर आगे आ जाएगी 2, और लॉग 10 तो आपको पता है कितना हो जाता है, 1 हो जाता है।
यहाँ से टी 90% के लिए अगर आपको एक्सप्रेशन देना हो तो क्या लिखोगे, 2.303 बाई के लोग ए बाई ए माइनस एक्स, वे 2.303 बाई के लोग ए मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कितनी 100 और 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स, एक्स यानी कि 90% खत्म हो चुके हैं तो 100 माइनस 90 दैट इज 10, तो ये 10 बचेगा तो ये कितना हो गया 2.303 बाई के, है ना। तो यहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो टी 99% बाई टी 90% इक्वल्स टू 2.303 इंटू में 2 बाई के, और ये 2.303 बाई में के, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाई, टी 99% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी 90%। ये तो हमने प्रूव करना था। अच्छा एक क्वेश्चन आ जाता है कि ना सिंपल समझना कि कहीं पर आपको रेट दे रखा है, रेट दे रखा है के ए एंड बी की पावर 2, ठीक है। यहाँ से अगर मैं आपसे इसका ऑर्डर पूछता हूँ बहुत इजीली आप इसका ऑर्डर प्रेडिक्ट कर सकते हो, ऑर्डर इज सम ऑफ पावर्स। तो यहाँ से पावर क्या है, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 2, दैट इज ऑर्डर इज 3, ठीक है। अब मैं आपको बोलता हूँ व्हाट इज द, या कह लीजिए कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से इफेक्ट होगी इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इज डबल्ड। अगर आपने बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो न्यू रेट क्या हो जाएगा बेटा, न्यू रेट इसको आर एन लिख लेना, आर एन इज के ए और बी की कंसंट्रेशन डबल, 2b का स्क्वेयर, 2b का स्क्वेयर जब आप करोगे तो ये हो जाएगा 4k ए और बी का स्क्वेयर, तो ये 4 टाइम्स हो चुका है, ठीक है। वो आपको बोलता है कि इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी इज डबल, ए की और बी की दोनों की कंसंट्रेशन को ही आपने डबल कर दिया तो न्यू रेट क्या हो जाएगा भाई, के इधर 2a इधर 2b का स्क्वेयर, तो ये सिंपल होके क्या आएगा 8k a और ये b का स्क्वेयर। तो इसमें और इसमें क्या ही डिफरेंस है, ये इसका 8 टाइम्स है। इस तरह से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, बने हुए हैं, ठीक है। बाकी घबराओ मत बिल्कुल भी, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अलग से करवाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। इसका लाइक और हम 1000 रखेंगे और जैसे इसके 1000 लाइक्स हो जाएंगे हम लोग कर देंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपसे क्या पूछा जाता है भाई, नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन किसे कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जो सच में फर्स्ट ऑर्डर की नहीं होती हैं, बट कुछ खास परिस्थितियों के अंदर वो फर्स्ट ऑर्डर की बन जाती हैं। दो रिएक्शन इन विच, या दो रिएक्शंस विच आर नॉट ट्रूली ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशंस दे बिकम्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर अर्कार्ड, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में आप इसको क्या भी बोल सकते हो, और दोज रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में आप लोग देखोगे आहा ये सीधी था और डरा देता है कई बार ये मुझे, दोज रिएक्शन हुज मोलिकुलरिटी इज टू बट
ऑर्डर इज वन। देखिए इंजेक्शंस के अंदर होता क्या, मैं आपको बताता हूं कि ना दो रिएक्टेंट होंगे, उनमें से एक रिएक्टेंट बहुत ज्यादा होगा, इतना ज्यादा होगा कि एक्चुअल में रेट उस पर डिपेंड ही नहीं करेगी, क्योंकि रेट डिपेंड करता है जो एक्चुअल में यूज हो पाते हैं, और वो इतना ज्यादा है कि उसकी पूरी कंसंट्रेशन आप यूज नहीं कर पाए, उसका बहुत थोड़ा सा पोर्शन यूज हुआ। जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, शुगर इज C12H22O11, इसकी हाइड्रोलिसिस कर दी, बोल दी तो इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, एसिड बन, ये क्या होगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा C6H12O6 और ये C6H12O6, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर आप इसका रेट लिखोगे, रेट क्या लिखा जाए, रेट इज के, और ये रेट को मतलब दोनों पे डिपेंड करेगा है ना इनिशियली। तो अब देखिए इसका स्मॉल अमाउंट है और इसका एक्सेस अमाउंट है, कभी भी अगर आपको ऐसा दे दिया जाए ना तो एक्सेस वाले पे डिपेंड नहीं करता, ये जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा। तो रेट को आप लोग कैसे ले सकते हो, के और ये C12H22O11। दूसरा कर लेते हैं, जैसे कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर समझते हो ना, जैसे कि R C OO R- ये एस्टर है, इसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा RCOOH और एक बन जाएगा R-OH। तो ये एक्सेस में है, रिपीट कर रहा हूँ, जो भी एक्सेस में उस पर रेट डिपेंड नहीं करता, उस पर रेट ऑफ रिएक्शन नहीं डिपेंड करती है। तो रेट इज, रेट क्या लिखोगे, रेट इज के और ये RCOOR- पे डिपेंड करेगा, इसकी पावर आप वन कर दोगे। तो यही हमारी पास क्या होती हैं, यही हमारे पास होती हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा पूरे का पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। बाकी क्वेश्चंस हैं, दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि ये है 2NH3N2+3H2, रेट इक्वल्स टू के है, राइट द ऑर्डर, ऑर्डर बताना है। अब क्योंकि प्लैटिनम ले लिया या फिर के आगे कुछ भी नहीं है, इट मीन्स ये कौन सा ऑर्डर है भाई, ये जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है। मोलिकुलरिटी, दो रिएक्टिंग स्पीसीज है, मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी भाई, बाय मोलिकुलर हो जाएगी। राइट द यूनिट ऑफ के, अब के की यूनिट याद है आप लोगों को, के का फॉर्मूला क्या होता था, मोल पर लीटर की पावर 1-n पर सेकेंड, एन इज ऑर्डर। तो चलिए सबसे पहले हमारे पास आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कॉन्स्टेंट, या फिर ये ऐसा आ जाता है कि यार व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ये बहुत ज्यादा बार अगर आप नोटिस करोगे रिलेशन, ओके बहुत शानदार, रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर, ठीक है ना, क्या रिलेशन है भैया रेट कॉन्स्टेंट के अंदर और टेम्परेचर के अंदर, तो कैसे प्रेडिक्ट किया जाएगा भाई। तो भैया इसमें जो हेल्प की थी ना वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, कई सारे चांसेस है कि हाँ भाई इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर बन जाए आर्हेनियस इक्वेशन। अब आर्हेनियस इक्वेशन होती क्या है मैं आपको बोल देता हूँ, इसमें कुछ इस तरह से दिया होता है, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, इस तरह से इसको हटाएंगे तो ऑब्वियसली इसके नाम का कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, तो आर्हेनियस दादा ने अपने नाम से कांस्टेंट बनाया ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब ये सारे का सारा कुछ है क्या चीज़, के क्या है, ए क्या है, माइनस ई ए आर टी क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। बेटा जी ये जो के है, के का मतलब क्या होता है यहाँ पर, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ द रिएक्शन, जो ए है ये, ए का मतलब होता है आर्हेनियस फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इसे बोलते हैं। ई ए जो है, ई ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, आर, आर मीन्स होता है गैस कॉन्स्टेंट, और गैस कॉन्स्टेंट की वैल्यू आप लोगों ने लेकर चलनी है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी का मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, एब्सोल्यूट स्केल लेकर चलना है आप लोगों ने। अब इसे आगे लेके चलते हैं, तो ये जो आपके पास इक्वेशन है
के इज ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। इसके बाद क्या करने वाले हो आप लोग, इसके बाद आप दोनों साइड ना एल एन लिखने वाले हो, टेकिंग एल एन बोथ साइड्स। आप लोगों ने क्या किया, दोनों साइड एल एन लिख लिया, तो क्या हो जाएगा एल एन के इजक्वल टू एल एन ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी बेटा जी, है ना, एल एन के इजक्वल टू एल एन ए डॉट ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब आपको भी पता है लॉग एक्स इंटू वाई क्या होता है, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई होता है, तो एल एन के इजक्वल टू क्या हो जाएगा एल एन ए प्लस एल एन ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी। अब आपको ये भी पता होगा अगर लॉग एम की पावर एन है तो पावर आगे आ जाती है भाई, ये हो जाता है एन लॉग एम, तो पावर आगे आ जाएगी, हो जाएगा एल एन के इजक्वल टू एल एन ए, पावर आगे आ गई माइनस ई ए बाय आर टी, और ये हो गया एल एन ई। एल एन ई की वैल्यू वन होती है और यहाँ से हमारे पास इक्वेशन बन जाती है एल एन के इजक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाय आर टी। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमारा जो मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेट कॉन्स्टेंट एंड टेम्परेचर। तो एक बार क्या करते हैं हम लोग ना, यहाँ पर दो अलग अलग कंडीशन बना लेते हैं, ठीक है। पहली बात, एट टेम्परेचर टी वन, दूसरी बात एट टेम्परेचर टी टू। दो अलग अलग टेम्परेचर बना लिए, ठीक है। जब टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये भी चेंज हो जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट भी, तो हो जाएगा एल एन के वन इजक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए आर टी वन, और ये इधर से एल एन के टू इजक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए आर टी टू ग्रुप। ये होगा ना भैया, अगर आप टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेट कॉन्स्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी, T1 है तो ये K1 है, T2 है तो ये K2 है। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर वन, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर वन है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर टू। तो कर दीजिए ऑपरेशन लगा देना है, ऑपरेटिंग टू माइनस वन, इक्वेशन नंबर टू में से इक्वेशन नंबर वन को माइनस कर दो, क्या हो जाएगा लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस एल एन के टू माइनस एल एन के वन, राइट में से राइट एल एन ए माइनस ई ए आर टी टू, और माइनस कर दोगे एल एन ए और ये प्लस ई ए आर टी वन। समझ में आई बात नहीं आई है भैया, ये इक्वेशन नंबर टू है, इसको ऐसे रख लेना है ना, लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस और इसके राइट में से राइट। जब इसको माइनस करोगे तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे ना, दैट्स वाई ये हुआ है। तो अब इसके बाद क्या देखते हो आप लोग, ये से ये कैंसिल है ना, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई है, यानी तो हो जाएगा एल एन के टू बाय के वन इजक्वल टू, प्लस वाला आगे कर लो ई ए आर टी वन माइनस ई ए आर टी टू। एल एन की वैल्यू कितनी होती है अगर मैं इसको यहाँ से करूँ भाई, एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग के टू बाय के वन, यहाँ से ई ए बाय आर कॉमन आ गया, और यहाँ से 1 बाय टी वन माइनस वन बाय टी टू, और ये क्या हो जाएगा इक्वेशन यहाँ से लॉग के टू बाय के वन इजक्वल टू ई ए। ये पता है ना एल एन की वैल्यू होती है 2.303 लॉग, ठीक है बेटा। ये इधर चला गया, ये हो जाएगा 2.303 लॉग आर, और यहाँ से क्या हो जाएगा टी वन टी टू, और ये टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अगले पेज पे इसको ज़्यादा सही से लिख देता हूँ सो दैट को क्लियर होने लगे आपको कि हाँ यार इसमें है क्या चीज़। ये बेटा क्लियर है, ये हमारे पास आरएनएस इक्वेशन है। एक बार इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो चलिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, वो जरूरी है ना, क्वेश्चन होंगे तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। अब देखो जैसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है भाई तुम्हारा, ओके ये रहा, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और कब आया था 2013 में, 2019 में आया हुआ है।
क्वेश्चन क्या है, रेट कॉन्स्टेंट ऑफ अ रिएक्शन बिकम्स फोर टाइम्स वेन द टेम्परेचर चेंजेस फ्रॉम 293 केल्विन टू 313 केल्विन। अब सिंपल सी बात है, मान के चलो इनिशियल रेट कॉन्स्टेंट है K1, है ना। अब इनिशियल रेट कॉन्स्टेंट है x मान लेते हैं, उसके बाद जो नया रेट कॉन्स्टेंट है वो 4 टाइम्स हो गया, मीन्स 4x हो गया। ये बोल रहा है कि जब इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका बेटा जी, इनिशियल टेम्परेचर था 293 केल्विन और दूसरा टेम्परेचर कितना हो गया है आप लोगों का 313 केल्विन। ठीक है, अब इक्वेशन लगा दो। इक्वेशन क्या है, लोग K2 बाय K1 इज इक्वल टू EA बाय 2.303 R, और इधर क्या आएगा बेटा T2 माइनस T1 बाय T1 T2। वैल्यूज पुट करनी है, लोग K2 कितना है, 4x है, इधर कर देते हैं 4x है, और K1 कितना है भाई x है, इज इक्वल टू EA आप लोगों को कैलकुलेट करना है 2.303, और R की वैल्यू मैंने आपको बोली कितनी पुट करनी है 8.314, और ये क्या आएगा भाई, ये आपका आ जाएगा T2 माइनस T1, T2 इज 313 माइनस 293 बाय 313 इंटू 293 बेटा जी। अब देखो x से x कैंसिल, log 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने, log 4 की वैल्यू दे रखी है 0.6021, है कि नहीं, और इधर ये 2.303 इंटू में 8.314 डिवाइडेड बाय ये 313 माइनस 293 इज 20, और ये 313 इंटू 293 यहाँ पर आ जाएगा, है ना, और ये आ जाएगा बेटा EA। ठीक है, अब देखो बहुत सिंपल है यार, अब मैथ है, मैथ तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा ना, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या आने वाला है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट है बेटा जी हमारे पास हाँ, मेथड्स टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, कि ना आपको ग्राफ दिया होगा और ग्राफ देख के आपको प्रेडिक्ट करना है कि यार ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। अब देखो जैसे जीरो ऑर्डर के लिए मैं बात करूँ, यहाँ पर रेट है, यहाँ पर कंसेंट्रेशन है, तो जीरो ऑर्डर में तो मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसेंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, बाकी फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकेंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कुछ इस तरह से आप लोगों को ग्राफ मिलने वाला है। आगे बढ़ो, हाफ लाइफ की बात करते हैं। हाफ लाइफ में क्या हो जाएगा भाई, अगर आपको डेरिवेशन याद हो हाफ लाइफ का, जीरो ऑर्डर के लिए क्या था, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन बाय 2k, है ना, ये इस पर डिपेंड करता है, तो कुछ इस तरह से जीरो ऑर्डर के लिए मिलेगा। फर्स्ट ऑर्डर का इंडिपेंडेंट होता है, और बाकी जितने भी आप सेकेंड थर्ड, ये आता नहीं है सेकेंड थर्ड ऑर्डर वगैरह कुछ भी, वो 1 बाय कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है हाफ लाइफ। क्लियर है बेटा, इस तरह से ग्राफ मिल जाने वाला है। अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में था यार ये सरफेस केमिस्ट्री के अंदर, बट अभी सरफेस केमिस्ट्री डिलीटेड है। क्वेश्चन है रेट ऑफ कैटलिस्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, रेट नहीं आएगा, रोल ऑफ अ कैटलिस्ट आएगा। कैटलिस्ट किसे कहते हैं, कैटलिस्ट किसे कहा जाता है, दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। मैं कई बार एक स्टोरी सुनाता हूँ, जैसे कि ए और बी दो दोस्त हैं, उनकी किसी बात पे तू मैं हो गई, टाइम रख लिया कि चल आ जाओ, अब स्कूल लेवल पे लड़ाई क्या होती है, बाहर आ जाओ भाई देख लेंगे। ठीक है, ये बात पता चल गई किसी सी नाम के स्वादी को, वो गया ए के पास, भाई तेरी भाभी छेड़ दी, बहुत बुरा लगा। बी के पास गया, भाई देखा है मैंने उस लड़की की आंखों में, प्यार तो वो तुझसे करती है। फिर वो ए के पास गया, बट यार पूरे स्कूल को पता है कि तुम लोग 8 साल से रिलेशनशिप में हो, ऐसे कैसे। फिर बी के पास गया, अरे ढूंढी शक्ल का हो उनकी थोड़ी, भाई वो प्यार तिरते ही करे। फिर ए के पास गया, अरे भाई जब 2 बजे का टाइम रख लिया, गाड़ी गलोच कर रहा था मैं तो गया, मेरे से तो सहन नहीं हुई। अब क्या होगा, वो जो लड़ाई का टाइम इन्होंने 2 बजे रखा है वो 2 बजे नहीं होगी, भाई ने बातों का छोंक लगाया है, और वो लड़ाई शायद अगले पीरियड में हो जाए, समझ लो। तो कैटलिस्ट क्या करते हैं, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जांपल दूध है, दूध ने एक टाइम के बाद खराब होना है, बट अगर आप उसमें नींबू निचोड़ दोगे तो वो जल्दी खराब हो जाएगा, तो वहां पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है ना। आप कोई काम कर रहे हो, एक मोटिवेशनल स्पीकर आता है, मोटिवेट करता है तुम्हें तुम्हारे गोल की तरफ, तो वहां पर कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। तो किसे कहते हैं हम लोग कैटलिस्ट, अ कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन, अल्टर्स की जगह मैं बोलूंगा इंक्रीज लिखना, इंक्रीज द
रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी परमानेंट केमिकल चेंज। इस पर खुद पे कोई फर्क नहीं पड़ता और रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करते हैं। अब वो इंक्रीज किस तरह से करते हैं मैं आपको इधर बताना चाहूंगा। देखिए बेटा होता क्या है, जैसे कि ना एक मैंगो लाइफ की बात करते हैं, आम जिंदगी की। देखो इधर है हमारे पास एनर्जी, इधर एनर्जी लिख लेते हैं, ठीक है, और ये हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। तो होगा क्या, इस तरफ हमारे पास रिएक्टेंट होगा, इस तरफ हमारे पास होगा प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ना एकदम से नहीं बनता, उसको एक पहाड़ी क्रॉस करके जानी पड़ती है। कुछ इस तरह से रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा बेटा जी, प्रोडक्ट बन जाएगा। अब जो इसका पीक पॉइंट है ना भाई, इसे हम लोग बोलते हैं थ्रेशहोल्ड एनर्जी। क्या बोलते हैं इसे, थ्रेशहोल्ड एनर्जी। और इस पीक पॉइंट तक पहुंचने के लिए मुझे जो एनर्जी चाहिए उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। यह है नॉर्मल रिएक्शन। बट अगर मैं इस रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दूंगा तो वो ना इस पहाड़ी में सुरंग कर देगा और कुछ इस तरह से रिएक्शन हो जाएगी। अब ये रिएक्शन जो है इधर लोअर एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत पड़ती है। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, जैसे मेरी बात समझना कि ना मेरे को मोबाइल लेना है, मेरे पास एक मोबाइल है हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ये भारत सर है अपने बिना मोबाइल वाले, इनके पास है 10,000 रुपये। अब इनके 2 दिन हो गए, एक तो इन्होंने सोचा आईफोन 13 प्रो मैक्स लेना है मुझे, ठीक है, मोबाइल लेना है, और एक मुझे क्या करना है आईफोन 6 लेना है मान के चलो, ठीक है। अब ये आ गया भाई 130 का, ठीक है, ये आ गया मान के चलो 13,000 का, ये 130,000 है और ये 13,000 है। तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन जल्दी होने वाली है? देखो मेरे पास 10,000 है, मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत तो पड़ेगी ही दोनों ही केसेस में। यहाँ पे 120 की जरूरत है, यहाँ पर सिर्फ मुझे 3,000 की जरूरत है। ऑब्वियसली वो चीज़ जल्दी हो जाएगी जहाँ पर मुझे कम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, कम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ पैसे चाहिए। ये बहुत मुश्किल केस हो जाएगा, ये बहुत ईजी केस हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट ऑन नोट। देखो बेटा यही होती है, करते क्या है, कैटलिस्ट प्रोवाइड एन अल्टरनेट पाथ बाय रिड्यूसिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड एनहेंस लोअरिंग दी पोटेंशियल एनर्जी। कैटलिस्ट क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को एक शॉर्टकट पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ये फंडा होता है एक कैटलिस्ट का। एंड हियर इज लास्ट टॉपिक, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन, कोलिजन का मतलब होता है टकराना, है ना। जब तक टकराएंगे नहीं प्रोडक्ट बनेंगे नहीं, है ना। आटे को पानी से टकराना पड़ता है तभी वो गुना हुआ आटा बनता है। कोलिजन थ्योरी ये बोलते हैं कि अगर कोई रिएक्शन को होना है तो इलेक्ट्रॉन को आपस में पास आना पड़ेगा, टकराना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट बनेगा। अब दो तरह के कोलिजन होते हैं बेटा, एक कोलिजन होता है इफेक्टिव कोलिजन और एक कोलिजन होता है बेटा जी अन इफेक्टिव कोलिजन। फोकस कीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ना इफेक्टिव कोलिजन कौन से होते हैं, ऐसे कोलिजन दोज कोलिजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। भैया कोलिजन हुए, चीजें टकराई, प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। दोज कोलिजन एज अ रिजल्ट ऑफ विच नो प्रोडक्ट इज फॉर्म, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बना है। बहुत बढ़िया सर, एग्जाम्पल भी दे दो। जैसे कि ना वही तू तू मैम हो गया ना, रिसेस में लड़ पड़े, वो एक मुक्का मारा दोनों ने, बट उसमें रिजल्ट नहीं पता चलेगा यार कौन विनर है, ठीक है, वो अनइफेक्टिव कोलिजन है। बट वो स्कूल के बाहर पूरा लड़े, दोस्त भी कहा लड़ने दो यार उनको, कपड़े फाड़ दे, खुन्नम खून हो दें, तो वो क्या है, इफेक्टिव कोलिजन है। जैसे कि मैं दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, इंडिया वेस्ट इंडीज का टेस्ट, इंडिया वेस्ट इंडीज छोड़ो, इंडिया पाकिस्तान का टेस्ट मैच हो गया, बारिश आ गई, एक बारी खेलेगी थी देन बारिश आ गई, उसका रिजल्ट नहीं आएगा। वो कोलिजन हुए, टकराए हैं वो, बट उसका रिजल्ट नहीं आया। बट किसी मैच में रिजल्ट आ जाए तो इफेक्टिव कोलिजन होता है। रिएक्शन अकर्स ड्यू टू द कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई भी रिएक्शन होती है उसमें रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं। ऑल कोलिजन्स आर नॉट इफेक्टिव। अब इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, जिनसे प्रोडक्ट बनेगा उसके लिए क्या जरूरी है। इफेक्टिव कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन विच मॉलिक्यूल्स कोलाइड विद सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी विच इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी प्लस एनर्जी प्रोसेस्ड बाय रिएक्टिंग स्पीसीज एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। देखिए जब भी रिएक्टेंट को टकराना है तो पहली बात उनके पास प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं, और प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि मान के चलो बैट बॉल खेल रहा कोई, किसी को सिक्स मारना है तो प्रॉपर एनर्जी के साथ सिक्स मारना है। अब ऐसे करके कोई ऐसे कर दे वो सिक्स थोड़ी नहीं रहेगा, प्रॉपर एनर्जी लगानी पड़ेगी। और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होनी चाहिए, ये नहीं है ना कि भाई जोर तो पूरे लगा दिए और बॉल लगी हैंडल पे इधर आके। मतलब रिएक्टेंट को जब टकराना है बिल्कुल अच्छे से टकराना पड़ेगा तभी प्रोडक्ट बनेगा।
इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, जिसमें रिएक्टेंट के पास बढ़िया एनर्जी हो, बढ़िया ओरिएंटेशन हो, उस बढ़िया एनर्जी को बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब एक छोटा सा टॉपिक और सुनने को मिलता है आपको, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। एक गिवन वॉल्यूम के अंदर एक सेकंड में कितनी बार रिएक्टेंट आपस में टकरा जाते हैं। देखिए वो साउथ की फिल्में होती हैं, कई बार बड़े हीरो बड़ी गंदे तरीके से मारते हैं, बट रियल में तो एकदम ओके मार पाएंगे ना, साउथ वाले तो एकदम से स्पीड में। वो वाला है भाई, एक सेकंड में कितनी बार रिएक्टेंट आपस में टकरा जा रहे हैं, वो उसके इफेक्टिव कोलिजन है। और इसको डिनोट किससे करते हैं बेटा जी, हम लोग जेड से। ठीक है, अच्छा ये जो अगर आप इसके डेरिवेशन करोगे तो लगभग सेम है, जैसे रेट इज इक्वल टू यहाँ पर ई की पावर माइनस ए बाय आर टी, बस यहाँ पे जेड ए बी आ गया। जेड का मतलब क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, सॉरी कोलिजन फ्रीक्वेंसी। जेड ए बी इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी, आर यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टी का मतलब होता है टेम्परेचर। क्लियर होती है बात कि नहीं, सिर्फ ये है और कुछ भी नहीं है। किसे कहते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में रिएक्टेंट कितनी बार आपस में टकरा रहे हैं गिवन वॉल्यूम के अंदर। इफेक्टिव कोलिजन के लिए कंडीशन मैंने बता दिया है कि सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन होनी चाहिए, और वो हर बार जरूरी है नहीं है कि होगी ही, तो उस वो जो ओरिएंटेशन जरूरी होती है ना उसको बोलते हैं पी। पी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर। बस ये जो इक्वेशन आप लोगों ने लिखी थी, ओके मैं इधर लिख देता हूँ। देखिए आरहेनियस इक्वेशन क्या थी, के इजक्वल टू ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, है ना बेटा। और यहाँ पर कोलिजन में क्या हो जाएगा, रेट इज जेड ए बी ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, और यहाँ पर प्रॉपर ओरिएंटेशन के लिए हमने एक फैक्टर को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज प्रोबेबिलिटी फैक्टर पी जेड ए बी ए की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये आएगा नहीं बट फिर भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, एंड दैट्स ऑल। ये बेटे जी आपका केमिकल काइनेटिक्स। स्टिल आपके कुछ भी डाउट्स है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और टेलीग्राम पर चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। और अगर आपको लगता है कि वीडियो अपने फ्रेंड्स के आपके फ्रेंड्स के लिए यूजफुल होगी तो इसको शेयर कर देना। ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।